शांति स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज फेडरल सिस्टम। व्हाट इज फेडरल सिस्टम? द फेडरल सिस्टम द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द स्टेट एंड द गवर्नमेंट एंड द सेंटर और यूनियन गवर्नमेंट, दैट इज फेडरल सिस्टम। मीन्स यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज फेडरल सिस्टम, जिसमें टू और मोर लेवल्स होते हैं। इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि क्या क्या होता है? जैसे उसमें डिवीजन होती है पावर्स की, तो क्या होता है उसमें? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्टिनेंट लिस्ट। तो इसमें क्या आ जाएगा? यूनियन लिस्ट में आपका जो है यूनियन लिस्ट में आपके पास है करेंसी, डिफेंस वगैरह जो है वो आ जाएगी। स्टेट में आपके पास ट्रांसपोर्टेशन वगैरह और पुलिस ये आ जाएगी। कॉन्टिनेंट में आ जाएगी जिसमें दोनों जिसके ऊपर लॉ बना सकते हैं स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। मीन्स एजुकेशन वगैरह, हेल्थ वगैरह भी आ सकती है इसमें, ठीक है? तो ये आपकी आ जाएगी डिवीजन ऑफ पावर। तो डिवीजन ऑफ पावर में हमारे पास तीन तरह की लिस्ट आती है। यूनियन लिस्ट, जिसमें वो सब्जेक्ट होते हैं जो सेंटर से रिलेटेड होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर लॉ बनाती है। और दूसरा है स्टेट लिस्ट, जिसमें जो सेंटर स्टेट के साथ रिलेटेड है, स्टेट गवर्नमेंट उन इश्यूज के ऊपर लॉ बनाती है। थर्ड है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसके ऊपर दोनों सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ बनाती हैं। तो वो आ जाते हैं, तीन तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास। आगे है नेक्स्ट इज व्हाई पार्लियामेंट गवर्नमेंट, क्यों होती है ये, क्या होती है ये? तो इंडिया इज अ रिपब्लिक, मीन्स के फ्रीडम मिली हुई है हमें, तो हम क्या है, फ्री इंडिया के वासी हैं, सिटीजन हैं, तो वी आर रिपब्लिक, ठीक है? द हेड ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट इज अ प्रेसिडेंट, तो हमारा हेड कौन है? प्रेसिडेंट। इट कंप्राइजेस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैसे बनी हुई है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से हमारी जो गवर्नमेंट है वो बनी हुई है। मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, तो वो क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टिव मीन्स सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंट्री को रन करने की। फॉलोइंग ब्रिटिश पैटर्न इंडिया हैज अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो जो ये है ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किया? ब्रिटिश पीपल से। तो उस टाइम हमने उनके साथ ये एक्सपीरियंसेस लिए थे कि कैसे हमने लेजिस्लेचर में काम करना है, तो उस टाइम के एक्सपीरियंसेस हम आगे अपनी गवर्नमेंट में उनको अप्लाई किया है। द फाउंडिंग फादर चूज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज दे गेन्ड सम एक्सपीरियंसेस ऑफ ऑपरेटिंग इट अंडर ब्रिटिश रूल। तो इसमें क्या आ गया कि जो हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बनाया है, तो उन्होंने क्या है वहाँ से ब्रिटिश पीपल के टाइम भी काम किया, और उस टाइम पे उन्होंने जो एक्सपीरियंसेस लिए हैं उनको आगे फॉलो किया है। फर्दर देयर आर एडवांटेजेस इन कंटिन्यूइंग द एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन, तो ये जो उस टाइम इंस्टीट्यूशंस वो किए थे उसको आगे ही ऐसे एज इट इज कंटिन्यू किया है। इट वॉज बेस्ट सूटेड टू अकोमोडेट वेरिड इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, में जो हमारे डायवर्सिटीज हैं उनको हमने नेशनल यूनिटी में चेंज करके चलाया है। आगे है हमारे पास क्या होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इंडिया में, क्या है, क्या कुछ होता है हमारे पास? द प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा, ये तीनों जरूरी होते हैं पार्लियामेंट के लिए, और ये तीनों ही मेन हैं हमारे पास। यूनियन लेजिस्लेचर इज नोन एज अ पार्लियामेंट,
किसको बोलते हैं हम पार्लियामेंट, दैट इज यूनियन लेजिस्लेचर, दैट इज पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, हमारे पास क्या कुछ होता है इसमें, प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा, तीन चीजें होती हैं जो हमारी पार्लियामेंट है। एंड द मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस इज नोन एज एमपी। एमपी क्या होता है, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, एमपी मींस मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट हैज टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस इन अ ईयर, साल में मिनिमम दो बार इनकी मीटिंग जरूर होती है, जो इसके दो हाउसेस हैं, ये इसकी जो पार्लियामेंट की मीटिंग है साल में दो बार मिनिमम। ये आप देख सकते हो कि ये दोनों हाउसेस हैं हमारी पार्लियामेंट के, और हाँ अभी ये है इधर वाला लोकसभा, उधर वाला राज्यसभा। तो लोकसभा क्या है, लोअर हाउस, लोकसभा क्या है लोअर हाउस, एंड राज्यसभा इज अ अपर हाउस। एंड लोकसभा हाउस को क्या कहा जाता है, लोकसभा इज अ हाउस ऑफ पीपल, और उसको क्या कहा जाता है, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, तो वो परमानेंट हाउस है, वो डिसॉल्व नहीं होता है ऐसे, बट ये 5 ईयर के बाद दोबारा से पूरे का पूरा हाउस बनाया जाता है। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा कितने मेंबर हैं उसमें, 552। तो इसमें है लोकसभा के, राज्यसभा के टोटल मेंबर हैं 250 मेन सीट्स हैं, तो इसमें 530 मेंबर्स स्टेट्स में से आते हैं, 20 मेंबर्स यूनियन टेरिटरी में से हम लेते हैं, और 2 मेंबर्स को प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड किया जाता है। किन मेंबर्स को, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से जो यहाँ पे रह रहे हैं वो वाले। एंड इसमें 238 सीट्स जो है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी में से आते हैं, और 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। ठीक है, और इसमें जो है इसका हेड होता है लोकसभा का, वो स्पीकर होता है, और राज्यसभा का होता है चेयरमैन, और चेयरमैन कौन होता है, जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट होता है वही जो राज्यसभा का चेयरमैन और वाइस प्रेसिडेंट सेम होते हैं। जो लोकसभा के मेंबर हैं वो 5 ईयर के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, बट जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो 6 ईयर के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। आफ्टर एवरी 2 ईयर क्या होता है कि वन थर्ड मेंबर जो मेंबर हैं उनको रिटायर किया जाता है। ठीक है, वन थर्ड मेंबर को हर 2 साल के बाद रिटायर कर दिया जाता है, जिनको 6 साल हो चुके होते हैं। ठीक, तो वो क्या होता है, उसकी जगह पे नए मेंबर्स को अपॉइंट कर दिया जाता है। ठीक है, और इन मेंबर की क्वालिफिकेशन क्या होती है, 2 हाउसेस के जो है हमारे मेंबर हैं उनकी, जिनको एमपी कहते हैं, दोनों ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, कुछ लोकसभा में होते हैं कुछ राज्यसभा में होते हैं। तो वो क्या होता है, लोकसभा में और राज्यसभा में should be an Indian citizen। म्यूट करके रखो बच्चे 5 मिनट के लिए।